ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं क्योंकि इसके थ्रू विंड का पैसेज होता है। तो ट्रैकिया एक सिलिंड्रिकल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, किसके बिटवीन? बिटवीन लैरिंग्स टू ब्रोंकियल्स। अब इसे आप समझिए, बिटवीन लैरिंग्स टू ब्रोंकियल्स किस तरह से ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिवाइडेड है। इसमें देखिए, ये ट्रैकिया, यहां आपको ये ब्लू लाइनिंग में ट्रैकिया नजर आ रहा है। आपको मालूम है, मैंने पीछे बताया आपको कि ट्रैकिया जस्ट इसके ऊपर ये स्पेस, ये लैरिंग्स होता है। और ट्रैकिया को कैसे मार्क करते हैं कि कहां से हमारे बॉडी में ट्रैकिया शुरू होता है, किस जगह से, किस जंक्शन से शुरू होता है, इसके लिए ये ग्रीन में मैंने आपको वर्टिब्रा दिखाया है, हमारा वर्टिब्रा। आपको मालूम है कि वर्टिब्रे में टोटल 33 स्मॉल बोन्स ज्वाइंट होकर हमारे स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रा को तैयार करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइन्स होते हैं। सर्वाइकल स्पाइन, ये टोटल 7 नंबर्स में प्रेजेंट होता है आउट ऑफ 33। ये हमारे इस गले के इस पोर्शन में प्रेजेंट होता है, ये 7 नंबर्स होता है और ज्वाइंट रहता है। इसके बाद हमारे चेस्ट वाले पोर्शन में, इसमें चेस्ट वाले पोर्शन में थोरैसिक स्पाइन प्रेजेंट होता है जो कि 12 नंबर होता है। उसके बाद हमारे पेट के एरिया में लंबर स्पाइन प्रेजेंट होता है और उसके बाद कॉक्सस प्रेजेंट होता है जो कि हमारे कवर में प्रेजेंट रहता है, कवर के एरिया में प्रेजेंट रहता है। तो इसमें जो ये वर्टिब्रे के बोन्स मैंने बतलाया, इनका यहां ये इंपॉर्टेंस है कि ट्रैकिया को मार्क करने के लिए कि इसका आखिर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसके लिए सर्वाइकल स्पाइन को यूज किया जाता है। सर्वाइकल स्पाइन का C6 और C7, इसके जंक्शन को ट्रैकिया के शुरुआती पॉइंट माना गया है। जैसे देखिए, एट द लेवल ऑफ C6 C7 सर्वाइकल स्पाइन ट्रैकिया स्टार्ट्स। ये आपको याद रखना है कि सर्वाइकल स्पाइन के C6 C7, इन दोनों बोन्स के जंक्शन पे ट्रैकिया शुरू होता है। और ये ट्रैकिया, इसके नीचे यहां आप जो देख रहे हैं, ये हमारा स्टर्नम है, स्टर्नम जो एक सीधा बोन आपको चेस्ट के बीच में दिखता है। ये स्टर्नम का दो पार्ट आपको यहां नजर आ रहा है, फर्स्ट है मैनुप्रियम स्टर्नी और सेकेंड है स्टर्नम। तो इसमें आप नोटिस कीजिए कि यहां ये जो जंक्शन आपको नजर आ रहा है जिसे एंगल ऑफ लुईस कहते हैं, ये जंक्शन ये बनता है थोरैसिक स्पाइन के T4 और T5 के जंक्शन पे। इस जंक्शन को एंगल ऑफ लुईस कहते हैं। ये जंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां देखिए, इस जंक्शन पे चार चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। फर्स्ट, ये यहां मैंने आपको बताया कि थोरैसिक स्पाइन T4 और T5, इनके बीच ये जंक्शन बनता है। सेकेंड, कि इसी जंक्शन पे मैनुप्रियम स्टर्नम स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ है। इसी जंक्शन पर मैनुप्रियम स्टर्नी, ये बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ इसी जंक्शन पर जुड़ा हुआ है। थर्ड पॉइंट है कि सेकेंड रिब्स, हमारा सेकेंड रिब्स, ये इस जंक्शन पर आकर जुड़ा हुआ है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का होता है, वो ये है कि यही ट्रैकिया टू पार्ट्स में बाइफर्केट हो रहा है। बाय यानी टू, फर्केट होना मतलब डिवाइड होना, तो यहां टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ट्रैकिया। तो इस ट्रैकिया का जो फर्स्ट डिवीजन है, ये फर्स्ट डिवीजन कहलाता है मेन ब्रोंकी, लेफ्ट एंड राइट दोनों में फर्स्ट जो बाइफर्केशन होता है वो होता है मेन ब्रोंकी, और इसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकीज में ये बाइफर्केट होते हैं, डिवाइड होते हैं। यहां आप नोटिस कीजिए कि राइट ब्रोंकी में, यहां तीन ब्रोंकीज में ये डिवाइड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां लंग्स में 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लेफ्ट में ये ओनली 2 ब्रोंकीज में डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां लंग्स में ओनली 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें बाइफर्केशन, ये बाइफर्केशन कहां होता है, किस तरह
ये इसमें आपको चार पॉइंट्स याद रखने हैं. फर्स्ट है, आपको मालूम है कि बाइफर्केशन जिस पॉइंट पर होता है उसे एंगल ऑफ लुईस कहते हैं. सेकेंड पॉइंट, ये बाइफर्केशन बिटवीन T4 T5 यानी थोरैसिक स्पाइन T4 और T5 इनके बीच होता है. थर्ड था कि मैनुब्रियो स्टर्नल जंक्शन ये कहलाता है. और फोर्थ था कि ये सेकेंड रिब्स का जंक्शन है, यानी सेकेंड रिब्स यहां आकर मिलता है.